तो ढिंचक पूजा वापस आ चुकी है अपने नए जहर के साथ, नए गाने के साथ। और इस बार तो एक्साइटमेंट में लोगों के कपड़े फटेंगे, शर्टें फटेंगी, पैंटें फटेंगी, कच्चे फटेंगे और फटेगी सबकी गा। हे गाइस, मैं हूं शिवम त्रिवेदी और आज हम फिर से रोस्ट करेंगे ढिंचक पूजा का, क्योंकि उसने रिलीज करा है अपना न्यू सॉन्ग आफरीन फातिमा बेवफा है। आप डेडिकेशन देखो लड़की की, हर कोई मजाक उड़ाता है, गंदे कमेंट्स करता है और रोस्ट करता है, पर फिर भी लड़की नए गाने डालती ही जा रही है। अब डेडिकेशन कहो या बेशर्मी, वो आपके ऊपर है। मतलब आप ये देखो लड़की कितनी वर्सेटाइल है, ये गाना पॉप रॉक हिप हॉप सब है। स्टार्टिंग होती है डरावनी सी टोन से, फर्क नहीं पड़ता उसको किसी की फीलिंग से, फीलिंग से। और उसके बाद तो जो लड़की ने किया है, मतलब क्यों किया है, अटकी गई भाई ये तो। और अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं पूजा के एक बहुत ही स्पेशल दोस्त। हाय गाइस, मैं हूँ आपका अपना द लेजेंड मान खान और आज मैं बहुत खुश हूँ गाइस, बहुत खुश हूँ। पूजा ने मार ली है, पूजा ने बाजी फिर से मार ली है गाइस। उसने अपना न्यू सॉन्ग रिलीज करा है और मैं इतना प्राउड हूँ कि गर्ब से मेरा सीना बॉब्स बन गया है गाइस, बॉब्स बन गया है। इसने ढिंचक पूजा के लिए हिप्स हिप्स रे, हिप्स हिप्स रे, हिप्स हिप्स रे। तो जाइए फेसबुक पेज पे ढिंचक पूजा के अच्छी अच्छी गालियाँ दीजिए, बधाइयाँ दीजिए। और जिसने भी नॉटी और चिप्स कमेंट्स करे उनको मैं पर्सनल पे अपनी सेक्स की पिक्स भेजूंगा, ओके? सो डोंट बी नॉटी एंड चिप्स गाइस। वैसे मैंने सुना है पूजा तुम बिग बॉस में जा रही हो, इस पे मैं बस एक ही चीज कहना चाहूंगा, मर जा कुत्ती, तुझ में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं, बिग बॉस वाले मुझे क्यों नहीं बुलाया, सलमान बेबी तुम भी। मैं बहुत सैड हूं गाइस, ये गलत बात है, गलत बात है, गलत बात है, गलत बात है, बाय। ए भाई इतनी सही मिमिक्री करिए, अब तो सब्सक्राइब कर दो यार। पर कुछ भी कहो, पूजा इतनी टैलेंटेड है ना कि उसको किसी साउंड इफेक्ट या एको की जरूरत ही नहीं है, वो अपने मुंह से ही सब कर देती है। और ऐसा लगता है वो अपने मुंह से ज्यादा ही कुछ कर लेती है, तभी सारे दांत बाहर आ गए। अब जरा गौर करते हैं गाने के लिरिक्स पे। दिल तोड़ती है, मुंह मोड़ती है, बहुत जोर से पर दौड़ती है। कहना क्या चाहती है बहन यार, इसे कोई बेवफा का मतलब समझाओ। मतलब पूरा गाना बना दिया पर बेवफा वर्ड का कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है। पूरी इंजीनियर्स वाली हरकत, कॉन्सेप्ट क्लियर हो ना हो एग्जाम्स में चार पेज भर के आते हैं हम। खैर छोड़ो, गाने में आगे बढ़ते हैं। जो भी उससे भिड़ा ले टांगा, जिंदगी भर वो चलाए टांगा। क्यों, टांगे सप्लाई करती है वो या एजेंसी है उसकी या दलाल है? मतलब पूजा को ना कोई अवार्ड ही दे दो, द हाइट ऑफ सेइंग कुछ भी अवार्ड, क्योंकि आज तक के अपने गानों में क्या क्या बक गई है कोई नहीं समझ पाया। पहला एक गाने से रिकवर करने की कोशिश करो तो दूसरा डाल देती है। इसके गाने की ना बस एक ही अच्छी बात होती है कि ये टॉर्चर सिर्फ 2 मिनट का होता है। सोच के देखो अगर ये और लंबे गाने बनाने लग गई तो। पर एक बात जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई वो है पूजा के झूठ। माना गाना लिखने के लिए थोड़ी लिरिकल बकलोली करनी पड़ती है, पर इतने झूठ। लड़की वो सुंदर है, कहां से दिखती वो मॉडल है, घंटा आती जाती है बॉयफ्रेंड की गाड़ी में, ऐसा बोल। टॉप उस पे जचता है। वाह बेटा, सरोजनी का टॉप पहन के उसको गुची बोल रही है। देखो मेरा हो गया, मैं और नहीं देख सकता ये वीडियो, बहुत हो गया। तो इसीलिए अब चलते हैं पूजा के एक और फ्रेंड के पास जिनका नाम है दीपक कलोल, दीपक कलाल। हाय फैंस, मैं हूँ दीपक फ्रॉम गुलमर्ग और मैं यहाँ आया हूँ कश्मीर की वादियों में ताकि मैं सुकून से बैठकर ढिंचक पूजा का नया सॉन्ग सुन सकूं। आफरीन तू तो बेवफा है। फैंस मुझे ये गाना बहुत पसंद आया है, इसने मेरे अंदर की तपिश को मिटा दिया है और मुझे बहुत ही सेक्सी फील्स हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि आप सब ढिंचक पूजा को किसी दो। फैंस ढिंचक पूजा को किसी दो। और अब आखिर में डिकोड करने की कोशिश करते हैं कि ढिंचक पूजा वीडियो में क्या स्टोरी दिखाना चाहती थी। अरे तेरे माँ का, अरे भाई 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 कैसा होगा मेरा बेचारा कमलेस यार। तू सब छोड़ भाई, बंदी बटाने जा रहा है उसको चीयर कर। ये ये साली इधर क्या देख रहे, गाड़ी चलाना बहुत। हाँ तो प्लीज ये गिफ्ट ले लो। हाँ दे। और प्लीज ये रिंग भी ले लो। नहीं शेट्स यार, भाई का तो कट गया, दीदी बेइज्जती हो जाएगी दोस्तों के सामने, प्लीज ले लो यार। ओफो ये भाई गॉट इट मैरिज। So that was it. I hope you liked the video. If you did, please hit that like button and please subscribe. I'll see you next time. Bye bye.